फ्रेंड्स, आईपीएल 2020 के सीजन को लेकर बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली की तरफ से 4 से 5 दिन पहले एक स्टेटमेंट आया था। उस स्टेटमेंट में उन्होंने बताया था कि इस साल भारत में ही आईपीएल देखने को मिलेगा और बीसीसीआई अपने पूरे प्रयास करेगी कि इसी साल हमें आईपीएल देखने को मिले। इसके बाद आईपीएल को लेकर लगातार बड़े बड़े अपडेट्स निकल कर आ रहे थे, जहाँ पर एमआई की टीम आईपीएल की तैयारियाँ शुरू कर चुकी थी और 2 से 3 आईपीएल टीमें भी इस महीने के आखिर तक आईपीएल की तैयारियाँ शुरू करने वाली थी। लेकिन अब कल आईपीएल को लेकर सबसे बड़ा अपडेट निकल कर आया है। दरअसल कल आईपीएल की नई डेट भी रिवील हो चुकी है। दरअसल आईपीएल 2020 का सीजन हमें 26 सितंबर से लेकर 8 नवंबर के बीच देखने को मिलेगा। लेकिन अब करंटली आईपीएल को लेकर और अधिक और बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है, और अब जो करंटली बड़ी खुशखबरी बीसीसीआई और सभी आईपीएल फैंस के लिए निकल कर आई है, हो सकता है इसके बाद बीसीसीआई आईपीएल को और भी अधिक या फिर और भी पहले जल्दी शुरू कर दे। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि करंटली आईपीएल 2020 के सीजन को लेकर बीसीसीआई और सभी आईपीएल फैंस के लिए क्या बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। इसके साथ ही क्या अब बीसीसीआई आईपीएल में और भी अधिक बदलाव करेगी या फिर नहीं, मैं इस वीडियो में आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को आप हमेशा की तरह अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो नीचे दिए गए लाइक बटन को दबाए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं आखिर आईपीएल को लेकर करंटली क्या बड़ी खुशखबरियां निकल कर आई है। बात करते हैं सबसे पहली बड़ी खुशखबरी की, तो जो करंटली पहली बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है वो ये T20 वर्ल्ड कप को लेकर। दरअसल इस साल ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप होने वाला था और अक्टूबर नवंबर के महीने में T20 वर्ल्ड कप होने वाला था। इवन एक समय में तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड भी T20 वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए तैयार था। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया में 10,000 क्राउड के साथ क्रिकेट शुरू किया जा सकता है। लेकिन अब करंटली ऑस्ट्रेलिया के सीईओ की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि लॉकडाउन और कोरोना के बाद इतने क्राइसिस के बाद अब ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप होस्ट करना इम्पॉसिबल है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड करंटली 50 से 55 मैचेस होस्ट नहीं कर पाएगा और ना ही 10 से 12 कंट्रीज को होस्ट कर पाएगा। इस वजह से वर्ल्ड कप कैंसिलेशन 100% कंफर्म्ड हो चुकी है और वर्ल्ड कप कैंसिलेशन होने के कारण हो सकता है बीसीसीआई इससे पहले भी आईपीएल करा दे। अब बीसीसीआई के पास जुलाई से लेकर लगभग नवंबर दिसंबर तक का समय है। इस दौरान कोई भी बड़ा टूर्नामेंट या फिर कोई भी बड़ी सीरीज नहीं होगी और वर्ल्ड कप कैंसिलेशन के कारण अब लगभग 99% ओवरसीज प्लेयर्स हमें आईपीएल खेलते हुए दिखेंगे। हालांकि कुछ ओवरसीज प्लेयर शायद कुछ सीरीज के चलते हुए आईपीएल से बाहर हो जाए, लेकिन हमें मेजर बड़े प्लेयर्स आईपीएल के लिए उपलब्ध दिखेंगे। ये आईपीएल और सभी आईपीएल फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है। आईपीएल उसी प्रकार से होगा जैसे हर साल होता है। इसके बाद बात करते हैं दूसरी और बड़ी खुशखबरी की, तो करंटली जो दूसरी बड़ी खुशखबरी है वो है एशिया कप को लेकर। हालांकि करंटली एसीसी यानी एशिया क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप कराने का डिसीजन फाइनल कर दिया है और इस साल हमें 24 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर के बीच एशिया कप देखने को मिलेगा। दरअसल इस दौरान 11 दिन में केवल 11 एशिया कप के मैचेस होंगे। लेकिन करंटली भारत एशिया कप खेलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इस साल एशिया कप यूएई में होने वाला था और अब एसीसी ने बिना भारत से पूछे एशिया कप को श्रीलंका में शिफ्ट कर दिया है और बिना भारत की मंजूरी लिए एशिया कप का नया शेड्यूल बनाने की भी प्लानिंग में लग चुकी है। इस वजह से करंटली बीसीसीआई ने एशिया कप बॉयकॉट करने का डिसीजन लिया है। लगभग 50 से 60 या फिर 70% चांसेस है कि हमें टीम इंडिया एशिया कप में नहीं खेलती हुई दिखेगी और एशिया कप के दौरान हमें भारत में टीम इंडिया के सभी प्लेयर्स आईपीएल खेलते हुए दिखेंगे। लेकिन अगर इसके बावजूद एशिया क्रिकेट काउंसिल बीसीसीआई को एशिया कप में टीम इंडिया भेजने के लिए फोर्स करता है, एशिया कप खेलने के लिए फोर्स करता है, तो हो सकता है बीसीसीआई इंडिया की टीम को श्रीलंका में एशिया कप खेलने के लिए भेज दे और भारत में आईपीएल सुचारू रूप से कंटिन्यू रहे। लेकिन अगर टीम इंडिया एशिया कप से बाहर हो गई, टीम इंडिया ने अपना नाम एशिया कप से वापस ले लिया, तो एशिया कप का भी कैंसिल होना पूरी तरीके से तय है। दरअसल एशिया क्रिकेट काउंसिल को जो रेवेन्यू प्राप्त होती है उसमें से ऑलमोस्ट 80% रेवेन्यू बीसीसीआई के कारण प्राप्त होती है और अगर बीसीसीआई ही एशिया कप नहीं खेलेगी तो एशिया कप को काफी बड़ा घाटा होगा। इस वजह से अब करंटली चांसेस लग रहे कि शायद हमें एशिया कप भी कैंसिल होता हुआ दिख जाए और जो बांग्लादेश और श्रीलंका के प्लेयर्स आईपीएल खेलते हैं वो प्लेयर्स भी भारत में आकर इस समय में आईपीएल खेलते हुए दिखे। तो करंटली आईपीएल की
डेट अनाउंस होने के बाद अब करंटली आईपीएल को लेकर ये और बड़ी कुछ खबरियां निकल कर आई है। तो फ्रेंड्स ओवरऑल ये था इस वीडियो में, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए अब बीसीसीआई को आपके अकॉर्डिंग 26 सितंबर से पहले ही आईपीएल शुरू कर देना चाहिए या फिर नहीं। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।